ये जाल का पेड़ है और यहाँ पर ये डेजर्ट लिजार्ड इस जाल के पेड़ के अंदर की जो कोटर है उसमें अपना डेरा जमा करके और मज़े से सोई हुई है, दोपहर में नींद ले रही है। और मैं यहाँ पर पीलू खाने आया था और अचानक से मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और अभी मेरे बोलने से जैसे ही मैंने वीडियो ऑन किया इसको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये मूवमेंट कर रही है, शायद अलसाई हुई है, नींद ना आ रही है इसको। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, जंगल में वन्य जीव अपने जिस माहौल में मिलते हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उनको कभी किसी प्रकार से स्टिमुलेट करना या ऐसे लकड़बाजी वगैरह नहीं करनी चाहिए, उनको उनके प्राकृतिक परिवेश में रहने देना चाहिए। ये आप देखें इस प्रकार की ये जाल है, जगह जगह से इसके तने के भीतर का खोखलापन है जो इसको, इसने शायद यहाँ से अपना नथना जो है हवा में निकाल रखा होगा, हवा ले रही होगी। इस तरीके से आप इसके पूरे पंजे वंजे देखें, यहाँ पर ये मज़े से इसके अंदर सेटल्ड है एकदम पूरी तरीके से। अरे बहुत शानदार जीव होता है, कहते हैं पुराने समय में किलों के ऊपर इनको फेंक करके और सैनिक किलों पे चढ़ जाया करते थे। ये वही है, डेजर्ट मॉनिटर लिजार्ड है, आराम कर रही है, अच्छी खासी हेल्थ दिख रही है इसकी, इट इज़ लुकिंग गुड, मस्त लग रही है, अच्छी दिख रही है। और ठीक है इसको आराम करने देते हैं, ज़्यादा इसको परेशान करेंगे तो ये फिर इसको बेचारी को दिक्कत होगी। वो देखें आप इसकी पूंछ दिखाई दे रही है, और बहुत ही शानदार लोकेशन है इसके लिए, जब इसका मन करता होगा तो और ऊपर आ करके यहाँ बैठ जाती होगी। और यहाँ इस जाल के वृक्ष की खासियत ये होती है कि इस गर्मी की लू में बहुत ठंडा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। वन्य प्राणी जो इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, पक्षी पीलू के जो मीठे मीठे फल होते हैं पीलू जाल के, उनको खाने के लिए आते हैं। तो कई बार इन मरुस्थल की दोपहर की गर्मी से तपती धरती से बचने के लिए वाइपर वगैरह जो सांप होते हैं वो भी इस जाल की टहनियों के ऊपर चढ़ जाते हैं, ताकि छोटे छोटे पक्षी वगैरह जब पीलू खाने के लिए आए तो वो उनको शिकार बना लेते हैं, लिपटे रहते हैं यहाँ पर। तो जाल के झाड़ी के या वृक्ष के नीचे जब आप खड़े रहें तो सतर्क रहें हर तरीके से। कई बार ऐसे किस्से आए हैं कि लोगों के ऊपर, वहाँ के अंदर टहनियों पर बैठे हुए सांप लोगों के ऊपर गिरे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत शानदार प्राकृतिक परिवेश है इन जीवों का जहाँ पर ये मज़े से रहते हैं। अब देखें यहाँ पर, ये मेरी यहाँ पर बाइक खड़ी है पास में, अरे शानदार लोकेशन है इसकी, मस्त एकदम। वन्य जीवों का सम्मान करें, हम मानव हैं, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इन जीवों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से राहत प्रदान करें, इनको अच्छा लगे ऐसा काम हमें करना चाहिए ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जीव संरक्षण का यही काम है जो हम लोगों को करना चाहिए, इनकी फिक्र करनी चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, जहाँ ये दिखें इनको प्रेम भरी दृष्टि से देखें, इनको अप्रिशिएट करें, इनके अस्तित्व को स्वीकार करें कि इन्होंने हमारे अस्तित्व में अपनी तरफ से पूरा योगदान दे करके इसको बहुत ही अद्भुत अस्तित्व को बना रखा हुआ है।